बन जाए। अबे यार ये तुम्हारा फोटो उठो, अब जाओ ना यार, अब छोड़ो ना, हम ये बीवी को अकेले यार हैं, चलो जाओ। कब क्या ससुर जी सही कह रहे ना, मतलब हम यार हैं। बाबू तुम हमका माफ कर दिया यार, अब सब पहले जैसा होएगा। अब यार अब चलो हमरे साथ, चलो अपने घर चलते हैं। अब हाय जा बाबू। क्यों कृष्णा, हम तुम्हारे साथ घर क्यों जाए? मतलब हाँ कृष्णा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे साथ घर जाएंगे? आज तुमने सारी दुनिया के सामने हमारे रिश्ते को एक मजाक बनाकर रख दिया है। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, और ये सब सिर्फ तुम्हारी हरकतों की वजह से। इतना सब कुछ होने के बाद भी तुमने कितनी आसानी से कह दिया कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुमने जबरदस्ती अपनी बात मनवानी चाहिए, लेकिन नहीं कृष्णा, ऐसा नहीं होगा। चाहे तुम टंकी पर चढ़ जाओ या एवरेस्ट पे। अरे तुम हमको वादा की थी यार, हम नीचे उतर के आ जाएंगे, तुम हमारे साथ घर चलो। वो हमने सिर्फ तुम्हें नीचे बुलाने के लिए कहा था, क्योंकि तुमने जबरदस्ती हमें हामी भरने के लिए मजबूर कर दिया था। कृष्णा, तुमने हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। तुम हमेशा ये दावा करते रहे कि तुम हमसे प्यार करते हो, लेकिन तुम्हारा ये दावा बिल्कुल झूठ है, क्योंकि सच्चा प्यार और विश्वास कैसे पाया जाता है तुम वो कभी समझ ही नहीं पाए, क्योंकि जो तरीका तुमने आज अपनाया है वो सही तरीका नहीं है, एक तरह की ब्लैकमेलिंग है। बाबू हम जानते हैं, हम जाहिल है, गवार है, हमका शायद नहीं समझ में आई कि प्यार विश्वास का चीज होता है। बाकी इतना जरूर जानते बाबू कि तुमरे बिना कुछ भी नहीं, तुमरे बिना बाबू सब एकदम 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 सुनसान है, उजाड़ है बाबू, कुछ भी नहीं तुमरे बिना है। कृष्णा, भूल जाओ कि तुम हमसे प्यार करते हो, क्योंकि ये प्यार नहीं है, सिर्फ तुम्हारी जिद है। और अब अपने साथ हमें घर ले जाने के बारे में सोचना भी मत, क्योंकि तुम अपनी पूरी जिंदगी सच्चे प्यार और विश्वास का मतलब कभी नहीं समझ पाओगे। बाबू तुम होते हो ना तो हर चीज सुंदर लगने लगती है। तुम होते हो तो लगता है जैसे दुनिया में हर चीज हो ही सकती है, ताकि तुम नहीं होते हो तो ही दिन ससुरा पत्थर जैसा कठोर हो जाता है, रात एकदम बर्फ जैसी ठंडी। बाबू तुम्हारे बिना तो यार ही सूरज चांद ही फूल तितली कुछ कोनो मतलब समझ में नहीं आता हमका यार। और जब तुम होते हो ना हमारे साथ तो बाबू लगता ही सब चीज भगवान तुम्हारे लिए बनाए। बाबू हमका नहीं पता हम क्या कह रहे, बाकी इतना जान लो तुम हमारी जान का प्राण हो तुम। बाबू हमरे के इतनी बड़ी सजा ना दो हमका यार, तुम बड़ी सजा ना दे यार। बाबू हर कोशिश करके देख ले बाबू, बाकी तुमने बिना नहीं जी सकते हम, बाबू नहीं जी सकते। जन्म तो कहाँ आए वाले हर जन्म तुमरे साथ जीना चाहते हैं हम। बाबू हमका छोड़ के नहीं जाओ यार तुम, बाबू हमका छोड़ के नहीं जाओ।
ओए, आज बहुत दिन बाद हमरा बबुआ जो है अपनी बबुआइन प्रतिज्ञा को लेके हवेली में आ रहा है, समझोगे ना? इसलिए उकरे स्वागत की तैयारी में ही हवेली का कोना कोना से चमकना चाहिए। और वैसे बबुआ हमको बोले था कि घर को बाबा ऐसा सजा दो जैसे नई नवेली दुल्हन। अब भाई ये तो करना पड़ेगा, काहे की प्रतिज्ञा की ससुराल है भैया, तो ओकरे आवे के खुशी में पूरा धूमधाम से तैयारी शुरू करो। चलो जाओ काम पे लग जाओ, चलो कचौड़िया सुन, जा हुआ रसोईया में आज बढ़िया बढ़िया पकवान 56 प्रकार के जो भोग व्यंजन ऐसे छान के रख, कुत्तो बिल्ली सारे आज ना रबड़ी दूध मलाई रसगुल्ला खाए के जाएंगे ठाकुर सज्जन सिंह के दरबार में। हाँ वो बहने जाए के सारी तैयारी में लग जाये थे। हाँ लेकिन जूठा ना कियो, चखे हो ना, चलो। ठीक है ना? देख रही हो समधन, समधी जी कैसे बढ़ चढ़ के तैयारी करवा रहे हैं, भी वो औरत के खातिर चौना की जिंदगी बर्बाद के धर दी। अरे अभी सब अम्मा को बताने का क्या फायदा, अब अम्मा के हाथ में कुछ नहीं है, अब बस वही घर में वापस आई जाएगी और अम्मा की जौन बची कुछ जिंदगी है ना वो भी बर्बाद करके दम लेगी। क्या अम्मा सही कह रहे ना? अरे सज्जन आज तो तुम बहुत ही खुश हो बेटा। अरे घंटीलाल खुशी वाली बात है यार, हमार बबुआ आज इतना शानदार काम कर के आवा है कि पूरे इलाहाबाद में नाम रोशन हो गवा, सारे दुनिया जहान के सामने अपनी रूठी भाई मेरारू को मनाए के ले आना कोनो आसान काम है। एक चीज बताएं, आज के जमाने में अपनी मेहरारू को ऐसे मनाए के ले आना, इतना बड़ा काम करना मामूली बात ना तो फिर भाई उनका भी घर में शानदार तरीके से स्वागत करना चाहिए, इतना हक तो भैया बनवे करता है घंटीलाल। हाँ देख ससुरी कैसी जल भून हुआ बैठी है जरतू ही। एक बात सुन ले, पहले तुम्हारी वजह से किसना बह को ये घर छोड़ के जाना पड़ा था, अब की हम तुमको एक बात बता दे रहे हैं, उसको गांठ बांध के अपने पास रख लो जिंदगी भर खातिर कि अब की तुमने अगर किसना बह के साथ कौनो व्यूह रचने की कोशिश की तो तुमको ही घर से लात मार के बहरे फेंकवा देंगे। ए लिए ठकुराइन तुमको हम समझाए रहे हैं बहुत प्यार से कि अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करना बंद कर दे ही में तोर भला है, नहीं तो जानत है बता दिया तुमको। ए सज्जन आज देख इतना खुशी का मौका है, काहे वो सब बात याद करके अपना मन खराब कर रहा है, आज वो सब बात भूल जा। तू तो बेटा बाबा और प्रतिज्ञा के स्वागत की तैयारी पर ध्यान दे, कौनो कमी नहीं रहनी चाहिए। बस तुम देखती जाओ घंटीलाल, और सारा इलाहाबाद देखिएगा हमरे बेटवा और पतोहू के वापसी का जलसा। ऐसी शाही सवारी का इंतजाम किया है ना घंटीलाल कि सबकी आंखें ऐसे ऐसे चुंधियाए जाएंगी, और लोग शादी ब्याह में क्या खर्च करेंगे जो ना अपनी पहुरिया को वापस ले आने की खुशी में कर रहे हैं, समझे कि नहीं? प्रतिज्ञा बन जाए